सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम उद्योग पर्व सेनो उद्योग पर्व 19वां अध्याय। युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहां सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तदनंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युयोधान विशाल चतुरंगिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फरसे, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिग, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खड़ग, धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी। सात्विकी की वह सेना मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागध वीर जयतसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षौहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांडे नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थी। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थी। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। गुरुनंदन, इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। हैदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मतवाले हाथियों से कोई वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार माहिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए।
केकय देश के पुरुष सिंह पांच नरेश जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौहिणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की तीन अक्षौहिणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान प्रधान राजा थे उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था, इसलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहितक वन, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाटधान तथा यामुन पर्वत, यह प्रचुर धनधान्य से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से बलिभांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित के द्वारा सैन्य दर्शन विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। संजययान पर्व 20वां अध्याय, द्रुपद के पुरोहित का कौरव सभा में भाषण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा, फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा, आप सब लोग सनातन राज धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, जानने पर भी स्वयं इसीलिए कुछ कह रहा हूं कि अंत में कुछ आप लोगों के मुख से भी सुनने का अवसर मिले। राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं, पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन्होंने तो पैतृक धन प्राप्त कर लिया, परंतु पांडवों को वह पैतृक संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो। धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडु पुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला है, यह बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी इसलिए वे इन्हें यमलोक न पहुंचा सके। फिर महात्मा पांडवों ने अपने बाहुबल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनी सहित क्षुद्र धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए में छल कपट का आश्रय ले उसका हरण कर लिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक निवास करने के लिए विवश हुए। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी क्लेश पहुंचाया गया तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह विराट नगर में भी इन महात्माओं को महान क्लेश सहन करना पड़ा है। पहले के किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेलजोल ही रखना चाहते हैं। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के बर्ताव को जानकर सुहृदों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किए बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही है। इसके सिवा सात्यकी,
भीमसेन तथा महाबली नकुल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष सिंह वीर हैं, वे अकेले हजार अक्षौहिणी सेनाओं के समान हैं। ये कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं एक ओर से आए और दूसरी ओर केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हो, तो वे अकेले ही इन सबके लिए पर्याप्त हैं। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है? अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिए, दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में पुरोहित का यात्रा विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय, भीष्म के द्वारा द्रुपद के पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्ण के आक्षेप पूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म की बात का समर्थन करते हुए दूत को सम्मानित करके विदा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बढ़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने समय के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं, यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं और वे धर्म में भी तत्पर हैं, यह और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, यह सौभाग्य का विषय है। वे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सौभाग्य की बात है। आपने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी है। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निस्संदेह पांडवों को वन में और यहां भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन का वेग सह सके? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोकों का सामना करने में समर्थ हैं। भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रोध से धृष्टता पूर्वक आक्षेप करते हुए यह बात कही, ब्राह्मण, इस लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसी को अज्ञात नहीं है, उसको दोहराने से या बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है। पहले की बात है, शकुनि ने दुर्योधन के लिए पांडु पुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। वे तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। विद्वान, दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा, कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे, परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी समूची पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि पांडव अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करें, तत्पश्चात वे दुर्योधन के आश्रय में निर्भय होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धि को अधर्म परायण न बनाएं। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधानंदन, तू जो इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा?
तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए जबकि विराट नगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अतिरथियों को जीत लिया था। तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था जबकि अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांटकर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा, शांतनुनंदन भीष्म ने हमारे लिए यह हितकर बात कही है। इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्राह्मण, अब मैं कुछ सोच विचार कर पांडवों के पास संजय को भेजूंगा। आप पुनः पांडवों के पास ही पधारें, विलंब न करें। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास वापस भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में पुरोहित की यात्रा विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय, धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपपल्लव्य नामक स्थान में गए हैं, तुम वहां जाकर उनका समाचार जानो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुंचे हैं। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग सकुशल हैं। पांडव लोग मिथ्या से दूर रहने वाले परोपकारी तथा साधु पुरुष हैं। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया है। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। संजय, मैंने कभी कहीं पांडवों में थोड़ी सी भी मिथ्या वृत्ति नहीं देखी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। मैंने सदा ढूंढते रहने पर भी कुंती पुत्रों का कोई ऐसा दोष नहीं देखा है जिससे उनकी निंदा करूं। वे सदा धर्म और अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं। कामनावश मानसिक प्रीति और स्त्री पुत्रादि प्रिय वस्तुओं में नहीं फंसते हैं। काम भोग में आसक्त होकर धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। पांडव घाम शीत, भूख प्यास, निद्रा तंद्रा, क्रोध हर्ष तथा प्रमाद को धैर्य एवं विवेक पूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। वे समय पड़ने पर मित्रों को उनकी सहायता के लिए धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवास से भी उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती है। कुंती के पुत्र सबका यथा योग्य सत्कार करने वाले हैं। अजमीड वंशी हम कौरवों के पक्ष में पापी, बेईमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन एवं अत्यंत क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखने वाला नहीं है। संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के स्वत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है। केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रियजनों से बिछुड़े हुए महामना पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण संजय वंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनका राज्य भाग दे देने में भलाई है। गांडीवधारी सव्यसाची अर्जुन
रथ में बैठकर अकेले ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दूरधर्ष महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों को जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं, जो समस्त लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जो मेघ गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा टिड्डियों के दल की भांति तीव्र वेग से चलने वाले बाण समूहों की वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुन के सामने कौन मनुष्य ठहर सकता है? गांडीव धनुष धारण करके एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो सव्यसाची अर्जुन ने न केवल उत्तर दिशा पर विजय पाई थी, अपितु उत्तर कुरुदेश को भी जीत लिया था और उन सब की धन संपत्ति जीत कर ले आए थे। उन्होंने द्रविड़ों को भी जीतकर अपनी सेना का अनुगामी बनाया था। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार के रूप में अर्पित किया था। गदाधारियों में इस भूतल पर भीमसेन के समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके जैसा कोई हाथी सवार ही है। रथ में बैठकर युद्ध करने की कला में भी वे अर्जुन से कम नहीं बताए जाते हैं और बाहुबल में तो वे 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं। अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, वे बड़े वेगशाली वीर हैं। उनके साथ मेरे पुत्रों ने वैर ठान रखा है और वे सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं। अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को वेग पूर्वक जलाकर भस्म कर देंगे। साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। माद्रीनंदन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित्त और बलवान हैं। अस्त्र संचालन में उनके हाथों की फुर्ती देखने ही योग्य है। स्वयं अर्जुन ने अपने उन दोनों भाइयों को युद्ध की अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो बाज पक्षियों के समुदाय को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं से भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है, जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को निछावर कर दिया है। जिन अजात शत्रु युधिष्ठिर के अगुआ अथवा नेता ऋषणी वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण है, उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है? मत्स्य देश के राजा विराट भी अपने पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिर के बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवास के समय वे युधिष्ठिर के साथ एक वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिर के द्वारा उनके गोधन की रक्षा हुई है। अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे युद्ध में नौजवान से जान पड़ते हैं। केकय देश से बाहर निकाले हुए 5 भाई केकय राजकुमार महान धनुर्धर एवं रथी वीर हैं। वे पांडवों के सहयोग से केकय देश के राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी ओर से युद्ध करने की इच्छा रखकर उन्हीं के साथ रह रहे हैं। मैं यह भी सुनता हूं कि राजाओं में जितने वीर हैं वे सब पांडवों की सहायता के लिए आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सब के सब शौर्य संपन्न, युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने वाले, प्रसन्न चित्त एवं धर्मराज के आश्रित हैं। पर्वतों पर रहने वाले, दुर्गम भूमि में निवास करने वाले एवं समतल भूमि के निवासी योद्धा जो कुल और जाति की दृष्टि से बहुत शुद्ध हैं, वे तथा मलेच्छ भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं बल पराक्रम से संपन्न हो पांडवों की सहायता के लिए आए हैं और उनके शिविर में निवास करते हैं।
यथार्थ मोक्ष।